गाइस हम लोग जा रहे हैं आज, सब लोग घूमने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कार से जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग को नहीं बता सकता क्योंकि बताने इसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा यार, तो आप लोग को ही भी पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड तो बने रहना इस वीडियो में आखिर तक, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे और ऐसे जगह जा रहे हैं मैं कभी नहीं गया हूँ, तो बने रहना इस वीडियो में रहा था। तो यार हम लोग ना निकल चुके हैं यहाँ से अपने गाँव से, तो फिर जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पीछे ना चार लौंडे बैठे हैं और सामने भी हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, थोड़ा सा फ्यूल डला लेते हैं क्योंकि हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप, थोड़ा पेट्रोल या डीजल मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, अभी डलाएंगे जो भी है वो सामने वाला डलाएगा, मेरे को नहीं पता। अभी हम लोग जा रहे हैं बाथरूम, वहाँ तो नहीं दिखा सकता बाथरूम वाथरूम कैसे कर दें, तो अभी ना हम लोग पेट्रोल डला लिए, अभी तो नहीं करते हैं। ओके जो भी है पेट्रोल और डीजल गाड़ी तो मिल गया, गाड़ी चलेगा ही ना, चलेगा ही चलेगा। ले ले एक बॉटल भी ले रहा हूँ मैं। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा सारे राज अपने, मैं जिसको दे दूंगा मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया। जस्ट जगदलपुर पहुंच चुके हैं और अभी लालबाग के पास ट्रैफिक में हम लोग रुके हैं, वहाँ पे 21 सेकंड का वहाँ पे सिग्नल दिखा रहा है, यहाँ से अभी हम लोग निकल जगदलपुरा को प्लस मतलब पार कर चुके हैं और अभी इधर पार लेने ट्रेन आने वाली, इसका वेट कर रहे हैं। निकल चुके अब हम लोग, अभी बाहरी हम लोग भी निकले गए फटाफट, काफी टाइम हो गया। गुड नाइट तो नहीं, शाम को बोले गुड नाइट। थैंक यू। हम अपने मंजिल की ओर पहुंचने वाले हैं, बस अभी कुछ ही घंटों नहीं कुछ मिनटों की है, बस 10 से 11 किलोमीटर की बाकी है दूरी। हांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास पहुंच चुके हैं, यहाँ आप लोग को बंदर भालू भेड़ का मछली कुकड़ा सब दिखाएंगे, बने रहना। अरे यार क्या क्या बंदर के लिए कुछ खाने के लिए कुछ लाए भी नहीं यहाँ पे, क्या तो तेरे को कमा के दिया ये अपना बस्तर का जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे नक्सलियाँ रहते हैं। चुप ना मां, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची वाली बात है। तो गाइस हम लोग ना अभी मतलब पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये घुटुम सर गोपाल की पता नहीं, हम लोग कमेंट करके बताइए इस जगह देख के। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ना बाइकिंग वाइकिंग मतलब कि कारोबार पार्किंग है, यहाँ पे हम लोग रुके और अभी पूछने जाएंगे कि जगह ये घुटुम सर या फिर कोई अलग जगह पे आए हैं। अभी जाते हैं यहाँ के जो बढ़ जाता है वो लोग है ना, जो हाँ पूछा यही वाला है करके, शायद यहाँ पे टिकट विकेट कटाना पड़ेगा, फिर हम लोग अभी जाएंगे कुटुम सर गुफा में और अभी जाके वहाँ पे पूछ लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट मतलब क्या क्या प्रोसेस है आगे का, फिर आगे जाने से पहले यहाँ पूछना भी जरूरी है, और हम लोग फर्स्ट टाइम किसी नई जगह पे आए हैं, तो अभी जा रहे हैं सामने कुछ काउंटर में यानी पूछताछ के लिए, फिर हम लोग निकलेंगे कुटुम सर गुफा की ओर। तो गाइस हम लोग ना अभी काउंटर जा रहे हैं, वहाँ पे पूछेंगे एक एक बंदे का कितना लेते हैं और मतलब क्या क्या प्रोसेस है। गुफा जाना है? हाँ जिप्सी करके जाना पड़ता है। जिप्सी का अलग लगता है? हाँ 1800 रुपये जिप्सी का रहता है, गाइड का 300 रुपये है, आप लोग 2250 रुपये हो जाएगा तीन आदमी का। मतलब टिकट काट लिए मतलब ना एक गाड़ी का जैसे कितने भी लोगों एक पर्सन का 300 रुपये लेते हैं और गाड़ी का चार्जेस 1800 रुपये, और हम लोग को ना एक गाड़ी मिल गया, इसमें हम लोग जाएंगे, बंद गाड़ी है बट एड्रेस। तो गाइस हम लोग का सफर यहाँ से शुरू होता है, हम लोग निकल चुके हैं अपना कुटुम सर गुफा में सैर करने के लिए, तो मतलब हम लोग इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो टोटल 4-6 लड़ाई।
कुटुंब से गुफा जाने से पहले ना एक बस्ती पड़ता है यहाँ से तकरीबन जहाँ से हम लोग ना टिकट खाते ना वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के बीच में एक बस्ती बसा हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे घर वर बना हुआ इधर। तो गाइस हम लोग ना यहाँ पे आ गए हैं कांगेर धारा वाटरफॉल यहाँ पे आए अभी यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ नजारा इधर। तो गाइस यहाँ से भी हम लोग निकल रहे हैं कुटुम्बसर गुफा की ओर यहाँ से। तो गाइस हम लोग ना अभी यहाँ पे मेन स्पॉट पे पहुँच चुके हैं चित्रकूट नहीं कुटुम्बसर गुफा में पहुँच चुके हैं यहाँ पे पास ये अपना खांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ मस्ती ब्रो। तो कैसे रहा अपना गेट यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं कुटुम्बसर गुफा की ओर देख लो मैं यहाँ से सामने की ओर मतलब फ्रंट के बैक कैमरा बनाऊंगा मतलब मैं अपना अपने दिखाऊंगा ये अपना गुफा के गुफा से अंदर जा रहे हैं इंटर। ओ भाई सुरंग यहाँ से पूरा हम अंदर जाएंगे तेरी तेरी डर लग गया बैंक लग गया। तो गाइस यहाँ से हम लोग इस तरह कैसे जाना पड़ रहा है यार क्या भाई अभी यार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है पूरा बैठ के जाना पड़ता है भाई लोग पता नहीं बोतल मारून सो मैं घर जाऊ बारी साल में रख के तो यार पानी नहीं कर रहा मैं सोचा नहीं था कि तो भाई यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है देख रहे हो इस तरह के से यहाँ पे अंदर आना पड़ता और यहाँ पे चलो 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 एलईडी की मदद से नहीं रहने से पता है नहीं ऐसा लग रहा है अपना भूत भूत बंगला में आ गए। अच्छा बाड़े से एक सेंटीमीटर थोड़ा सा बढ़ता है ना नाखून के बराबर अंदर तो इधर ही से रास्ता है क्या तो गाइस हम लोग ना टार्से की मदद से यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ ये तो देखा ना पानी वाइड भी दिया है उन्हीं पानी ने भी तो फोकना पड़ गया अच्छा उन्हीं जो पानी वो पानी मतलब सिर्फ जो नीचे टपकता है तो उसके साथ ना वो कुछ वाता हम देख रहे चूना देखे टपक जाता है तो नीचे में भी जम जाता है तो ऊपर में भी कुछ मात्रा जम जाता है तो ऊपर से बनता है तो नीचे से भी बनता है ऊपर से बनता है ना ये स्टेलेक्टाइट है और जो इसका पानी सिर्फ जो नीचे से बनता है ना वो ना स्टेलेगमाइट है आपस में जुड़ जाता है उसको बोलते हैं कैल्फिलर या ड्रिफ स्टोन यार एक जानवर है यहाँ पर थोड़े बहुत इमेजिंग कर
और ये ऊपर भी दिखता था, ये सेट से अपने बन गई थी। हां ये सर, हां आ उन पाए ये सामने से पाए बोल रहे टिप्स ना, हां मुंडी हम पार्ट जो बोल पाए काम नहीं आ जाने। अरे जाओ आगे जा, आगे जा, पानी भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। अरे यहां से कोई नहीं जा रहा है, इतना सस्ती जगह पर कब आते हैं। अच्छा ही बात है। हां गर्मी ज्यादा लग रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है। हम तो गांव के काम में तो साथ में जो पर्यटक स्पॉट पर आते हैं उनमें की गर्मी से है नहीं बात। हां गाइस इधर ना बैन है, उधर जा नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन उधर बहुत कम मिलता है उधर उस साइड। तो हम लोग जाते हैं, ये तरफ पानी है, संभाल के जाना पड़ेगा कहीं पैर वगैरह फिसल के गिर उठ जाएंगे तो ऐसी जवानी में लुढ़क जाएंगे यार। हाँ कलर की मछली है, ये काला कलर की मछली है वाला, और एक व्हाइट वाली मछली। जो व्हाइट वाली मछली है ना वही अंधी मछली है, ब्लैक ब्लैक भी हुई है, व्हाइट है। हाँ दो फर्क है, ब्लैक और ये दे ब्लैक ये अंधी मछली है देख सकते हो। इसको अंधी मछली इसलिए बोलते हैं, देखो सूर्य का रोशनी नहीं पड़ता इनकी आंखों में, पतली से झिल्ली चढ़ चुकी है। जो बाहर वाला मछली होता है ना सूर्य की रोशनी से जीवित रहता है, लेकिन जो यहाँ वाला मछली है ना कई वर्ष अंधेरे में रहता है, इसलिए जो यहाँ का मछली है ना अंधी हो गई। और इनका साइज इतना ही है, 1 इंच से 1.5 इंच बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। पकड़ सकते हो? नहीं नहीं, हाथ को नजदीक कर सकते हो, देख रहे हो ना व्हाइट वाला मछली, नजदीक करके देखो कुछ नहीं होगा, नहीं पकड़ना है, नजदीक कर सकते हो हाथ को, हथेली में ले सकते हो। मर गया, नहीं मरा है, देख सकते हैं नहीं सकते नहीं उनके आवास अंदर देखते हैं उनका ना। हाथ में ऐसे काय से उन मद्दक सब जान बे कौन रे भी थी इधर के इधर ना रास्ता बंद है क्योंकि ऊपर में मिट्टी है नॉर्मल सा, तो गिर उड़ जाने के लिए डर है इसलिए इधर प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब उपजाऊ का पानी जो ये पानी के जैसे कि अपने शरीर से पसीना निकलता है ना वो तो ऊपर से सूख जाता है तो उसमें ना नमक निकल जाता है, नमक बन जाता है। ये टाइप ना, ये इसमें से ना वो जो पानी एग्जिट होकर आता है ना कुछ मात्रा में चूना लेके आ जाता है तो उसी से ना साइनिंग करता है। जो न्यू बनता है तो वही साइनिंग करेगा। इस जगह भी साइनिंग कर रहा था, देख रहे हो ना नीचे वाला, इसमें इसका साइनिंग मिटते जा रहा है, इसमें लाइट का ज्यादा फोकसिंग पड़ता है तो पहले पड़ रहा था बहुत ही देर, इसको टच भी कर दिया तो साइनिंग मिट जा रहा है। टच करने से मिट जाता है, साइनिंग मिट जाता है। इसको देख रहा है इसलिए जाली लगा दी है, ये सामने वाला पत्थर को टच कर देगा तो पत्थर नहीं बढ़ पाएगा करके इसको ना जाली वाली लगा दी है। इसको कोई टच नहीं करेगा ना ये जल्दी जल्दी बढ़ पाएगा। मस्ती ब्रो, मजा लेके कल्टी ब्रो। इस गुफा का सबसे बड़ा पिलर होने से ही वाला है पिलर। और इधर किसको देख रहे हैं, इसका पंजा जैसा नजर आएगा ये वाला ऊंचा वाला हिस्सा पकड़ा हुआ है। हां तो गाइस इधर ना ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, 30 मीटर का कम हो जाता है, इससे आगे ना 30 मीटर पे ना शिवलिंग है नेचुरल वाला। अच्छा हां बना हुआ वाला, उसमें ना इसने जाली लगा दी कि निकलता है वहां पे, बता रहा था वही वाला इसमें भी हो जाता है। हां बहुत सारे मूर्ति बना हुआ है, आप इमेजिंग कर लो ना बहुत कुछ नजर आ जाएगा। पानी जो बड़े पत्थर बन हल्की क्या आगे बस तो गाइस यहाँ से हम ना फिर हम रिटर्न जा रहे हैं वापस गुफा से, हम बाहर निकल रहे हैं फिर सेल्फी उल्फी लेंगे यार। मतलब ना अंदर में ना ऑक्सीजन की बहुत कमी है, बहुत गर्मी लग रही है अंदर में। रात दाएं अंदर ले
और एक बार आए अस्तिका मस्ती ब्रो ऊपर आप तो चढ़ती ब्रो तो गाइस हम लोग ना निकल चुके भाई लाइट लग लेता है मुझे हाँ यार इस तरह से जाना पड़ता है सुरंग इस तरह यहाँ से हम लोग घुसे थे रूपा में हम बंद का रात से घूम रहे हैं अभी सुबह हो गया निकलते निकलते तो यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं अपने घर की ओर निकल रहे हैं हम लोग कुटुम्ब सर गुफा से तीरथगढ़ जाएंगे वहाँ का व्यू दिखाएंगे आप लोगों को उसके बाद कहाँ जाएंगे उसका सीधा हम अपना रवाना किसी होटल में जाके हम टोटल करेंगे फिर निकल जाएंगे अपने घर के जाके टांग उठा के सो जाएंगे सारे दोस्त होते हैं अंदर में इतना गर्मी है कि क्या बताएं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल मतलब क्या नीचे ऑक्सीजन तो मिलता नहीं और ना मोबाइल का नेटवर्क ना कुछ भी नहीं अंदर इतना अंधेरा है क्या बताएं क्योंकि अगर ना हम लोग घूमने तो गए थे लेकिन मोबाइल का चार्ज अगर ख़त्म हो जाता तो हम लोग शायद ही अंदर आ पाते बाहर आ पाते अरे यार सॉरी शायद ही बाहर आ पाते मतलब डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं इस गुफा के अंदर जाने के बाद विदेशी टूरिस्ट अलग रहे बाकी तो सब देसी है एक ही बाकी सब देसी लग रहा है एक है जो विदेशी लग रहा है लोग हम ना जाने वाले इस गाड़ी से फिर से जिससे आए थे उसी से हम लोग जाने वाले अभी फिर बैठते हैं अपना फर्स से जो आज के लिए अपना हो गया है आज के लिए अपना आज की आज के लिए समना वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को ऐसे ऐसे टूर मेरे बस्तर का जो मतलब कि प्राकृतिक है वो सबको आप लोग को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को अभी तक नहीं होता प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है तो ओके बाय